حي على الفلاح शैतान सजदे का इनकारी हुआ, एक सजदे का इनकार करके वो हमेशा के लिए मर्दूद हो गया। उस मुसलमान को होश नहीं है जो रोजाना दिन में 5 दफा बीसियों सजदों का इनकार किए बैठा हुआ है और फिर आराम से रोटी खाता है, आराम से चाय पीता है और आठवें दिन सर पे टोपी रख के आया। 8 दिन जिसने इतने सजदों का इनकार किया वो इस बात से नहीं डरता कि कहीं अल्लाह उसे मर्दूद न कर दे। इस्लाम का दूसरा रुकन नमाज है जो बड़ी मजलूम है कि छोड़ी जा चुकी है। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, जेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। कभी उम्मत की ये शान थी एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयाद, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नमाज। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के खड़ी हो गई कौम। इन्होंने जंगों में नमाज नहीं छोड़ी थी, आइए खाने पे नमाज छोड़ रहे हैं, दफ्तर पे नमाज छोड़ रहे हैं, कारोबारी डीलिंग पे नमाज छोड़ रहे हैं। नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना। नमाज बंदे और रब के दरमियान एक ताल्लुक पैदा करती है, ताल्लुक पैदा। अपनी हलाल कमाई करो कि मेरे नबी का फरमान है जो सुबह से शाम तक हलाल कमाने में थकता है उसके उस दिन के सारे गुनाह माफ हो जाते। साद बिन मुआज बैठे थे, उनके हाथों पर अल्लाह के नबी की नजर पड़ी तो हाथ बड़े सख्त थे। तो हमने कहा, साद तेरे हाथ इतने सख्त क्यों हैं? कहा जी मैं अपने बाग में खुद काम करता हूं, उससे ये सख्त हो गए। तो आपने साद का हाथ पकड़ा और ऐसे चूमा और कहा अपने बच्चों को हलाल खिलाने में जो हाथ ऐसा हो जाएगा उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। मेरे नबी के नवासे ने तलवार की धार के नीचे सजदा नहीं छोड़ा। यह फलसफा शहादत है कि सर तो कट सकता है, सजदा नहीं छूट सकता। अब छोटी छोटी फाइलों के पीछे नमाजें छोड़ेंगे, कल जब आप अपनी फाइल खुद उठाएंगे अल्लाह के दरबार में और वो फाइल आपके हाथ में नहीं होगी। अल्लाह ताला कहता है चाहे वो मौलाना हो, अल्लामा हो, या वो वकील हो, या वो जज हो, गर्दन में लटका दूंगा फाइल और फिर एक एक वर्क उल्टा के कहूंगा इकरा किताबक, पढ़। यहां तो खड़ा है मजलूम के लिए, पढ़। यहां तो खड़ा है जालिम के लिए, इसे पढ़ो। यहां तुम खड़े हो शराबी को बचाने के लिए, इसे पढ़ो। यहां तुम खड़े हो कब्जा माफिया को बचाने के लिए। तुम्हें आज का दिन याद नहीं था, तुम्हें फलसफा शहादत हुसैन याद नहीं था कि अल्लाह को पाने के लिए नस्ल भी ज़बह हो जाए तो सस्ता सौदा है। मुख्तलिफ जगहों से गुजरते हुए आपने देखा एक शख्स सोया हुआ है और एक फरिश्ते के हाथ में पत्थर है, उसके सर के ऊपर मारता है तो उसका सर कीमा हो जाता है, पत्थर लुढ़क के यूं चला जाता है। वो उसको उठाने जाता है, इतने में उसका सर ठीक हो जाता है। वो आके फिर उसको मारता है, फिर उसका सर कीमा हो जाता है। आपने फरमाया तू कौन है? कहा ये वो है जो इशा की नमाज पढ़े बगैर सो जाता। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इस घंटे को भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।